नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज गया में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कैंपस के सोसाइटी अध्यक्ष सह गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने आज 25 दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर वितरण किए। इतना ही नहीं, उन दिव्यांग जनों से उन्होंने बातचीत किया, उनका हाल पूछा। आगे दिव्यांग जनों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, उसके साथ ही जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह, बजरगंज प्रखंड से आए हैं। ये रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमें वितरण किया है। डीएम साहब आए थे आज, हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी, कहूँ आने जाने में परेशानी होती थी, इसीलिए हमने उसे अप्लाई किया था और डीएम साहब हमें उसे को प्रोत्साहन दिया गया। डीएम साहब से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। 25 लोगों का व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, बहुत सराहनीय काम है और वितरित के लिए रोजगार आएगा, जिससे हमको बढ़ाया गया अभी सराहना करते हैं उसका। और भविष्य में हमको ये बताया गया कि 1000 लोग समर महीना यहाँ से व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन समारोह आयोजित होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा, उसकी सूची हम लोग बना देंगे। ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किसान लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सुंदर भवन बना है, उसमें कुछ लोगों को ठहराने के जिसमें हम लोग बैठक किए हैं, वहाँ पर भी 50-100 लोगों का ठहराव भी हो सकता है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो क्लिनिक और इम्यूनाइजेशन भवन का भी रिनोवेशन हुआ है, पेवर ब्लॉक वगैरह लगाया है और मुझे बताया गया कि ये सब जो है बाहर का लोगों का फंड से किया गया, तो सराहनीय पहल है। कोई भी अच्छा काम कहीं भी करने के लिए योगदान देते हैं तो डेफिनेटली उसको सराहना चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कोरोना काल में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया गया है। रेड क्रॉस संस्थान इसलिए होता है कि बढ़ चढ़ के सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों के योगदान से एक सकारात्मक प्रभाव हो और जहां पर भी आपदा की स्थिति हो या मेडिकल स्थिति हो, इस समय में रेड क्रॉस के दायित्व और बढ़ जाते हैं। वहीं इस संबंध में गया जिलाधिकारी ने कहा कि रेड क्रॉस के माध्यम से आज व्हील चेयर का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेड क्रॉस के ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित रखने हेतु योजना बनाई जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।